अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल मॉम्स लाइफ यूएई। कैसे हैं आप लोग? और आपको याद होगा कि मैंने आप लोगों को दिखाई थी कुछ अपनी शॉपिंग जो मैंने घर के डेकोरेशन के लिए मतलब ली थी, खरीदी थी। अब मैं उसको किस तरह से जी जानू, अब मैं उसको मैंने आपसे बताया था कि मैं कहाँ और कैसे जी। गुड डे, क्या मुँह का हशर किया हुआ, ये देखें हालत क्या हो रही है, क्या लगाया भाई, मार्कर लगाया भाई। तो मैंने आप लोगों से बताया था कि मैं जब उन चीज़ों को सेट करूंगी तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह से कौन सी चीज़ कहाँ एडजस्ट की है, किस तरह से अपने घर को सजा रही हूँ। तो ये डेकोरेशन वाली वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। मैंने आपको इससे पहले अपनी वॉल दिखाई थी जो कि वॉलपेपर लगाने से पहले की वॉल थी, और ये मैंने वॉलपेपर इस पर लगाया है, और अभी इसमें बहुत कुछ मुझे डेकोरेट करना बाकी है, वो मैं आपसे शेयर करूँगी। इसके अलावा मैंने आप लोगों से शेयर किया था अपना डाइनिंग रूम, जिसमें मैंने कहा था कि मैं कुछ चीज़ें लाई हूँ जो मुझे अपनी वॉल को कवर करना है, इन जगहों पर कुछ लगाने हैं चीज़ें डेकोरेशन की। ये हमारा शूर रैक है, शूर रैक के साथ ही मुझे कुछ ये चीज़ों को, क्योंकि ये अच्छी नहीं लग रही, लुक अच्छा नहीं आ रहा है, तो इनको कवर करना है। और मैंने अभी अमेज़ोन से भी कुछ मंगवाया है, अमेज़ोन से मैंने क्या मंगवाया है, क्योंकि मेरी टीवी यूनिट अभी इनकम्प्लीट है, मैंने उस पर सिर्फ वॉलपेपर ही लगाया है, लेकिन अब मैं उस पर क्या लगाऊंगी वो मैं आपसे शेयर करूंगी। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये देखिए आजकल हर घर की ज़रूरत, हमारे शो एक्टर क्या रखा हुआ है, फेस मास्क, सैनिटाइज़र, और हमारे ड्रॉअर में भी ये सारा आपको नज़र आएंगे मास्क। तो लग करे कि जल्दी से ये कोरोना वायरस ख़त्म हो जाए, हर घर में आजकल यही हाल है, दो मतलब इन चीज़ों के लिए जगह जो है वो फिक्स हो गई है। तो इसके डेकोरेशन के लिए मैंने कुछ आर्टिफिशियल प्लांट्स मंगाए हैं, और अमेज़ोन से मुझे ये बहुत अच्छे आर्टिफिशियल प्लांट्स मुझे मिल गए हैं। पूरी वीडियो को देखिएगा अगर आप देखना चाहते हैं कि मैं किस तरह से इसको हैंग करूँगी, किस किस स्टाइल से, जस्ट ऐसे ही नहीं कर दूँगी। सरप्राइज याद नहीं आ रही है, ये थ्री का पेयर था, पूरा थ्री का सेट था, सॉरी थ्री का सेट मुझे मिला है 30 और 32 दिरहम का ये मुझे मिल गया है। और इसके अलावा जो मैंने मंगवाया है वो भी आर्टिफिशियल प्लांट्स ही हैं। अभी ये देखिए, ये मनी प्लांट है जी, आर्टिफिशियल मनी प्लांट, और बहुत ही मुझे अच्छी लगी क्वालिटी इसकी, नॉट बैड। और ये हम पूरा किस तरह से एडजस्ट करेंगे, हम ये सब आपको दिखाएंगे किस तरह से और कहाँ मैं इसको लगाऊंगी, ठीक है। तो ये हो गया। इसके अलावा मैंने क्या मंगवाया है जी, हाँ ये देखिए, ये हैं फेरी लाइट्स जिन्हें कहते हैं, और ये रिमोट कंट्रोल के साथ बैटरी ऑपरेटेड हैं, और रिमोट कंट्रोल के साथ मुझे मिली हैं, ये भी मुझे बहुत सही प्राइस में मिल गई हैं। टोटल जो मेरा बिल बना था वो बना था 102 का विदाउट डिलीवरी, 10 दिरहम इसकी डिलीवरी चार्जेस हैं। तो इस तरह 111 दिरहम जो हैं वो मैंने पे किए हैं, और 111 दिरहम में मुझे ये सारी चीज़ें मिल गई हैं, तो नॉट बैड। और जब ये लगेगा तो कैसा लगेगा आप हैरान रह जाएंगे, तो देखिए मेरी फुल वीडियो ताकि आपको पता चले कि ये किस तरह का लगता है। तो देखिए जनाब, ये तो थी मेरी अमेज़ोन की शॉपिंग जो मैंने आपसे शेयर की, हर शॉपिंग में आपसे शेयर करती हूँ, जो कुछ भी मैं ऑनलाइन मंगवाती हूँ आप लोगों से ज़रूर शेयर करती हूँ। अभी मैंने अनबॉक्स से भी कुछ मंगवाया है, कुछ चीज़ें तो मैं रख चुकी हूँ। एक ये डोर मैट है, ये मुझे आई थिंक 19 दिरहम का ऐसी कुछ मिला है। तो एक ये वाला डोर मैट मैंने मंगवाया था, और एक ये वाला मैंने मंगवाया था, इस पे बड़ी अच्छी सी कोटिंग भी लिखी हुई है, देयर इज नो प्लेस लाइक होम। तो हम स्टार्ट करने लगे हैं डेकोरेशन नाउ, और अब मैं हैंग करने लगी हूँ अपने आर्टिफिशियल प्लांट्स। जी फ्रेंड्स, हम इसको लगाएंगे, ये जो सामने आपको नजर आ रहा है टीवी के ऊपर हैंग करेंगे हम, और किस तरह से आप देखिएगा इसको हम लगाएंगे, इस डबल साइडेड टेप जो होती है इसकी हेल्प से हम इसको लगाएंगे, इससे बहुत इजीली और बहुत मज़बूत जो है वो चिपक जाता है अच्छी तरह से। एक लगाकर हम हाइट चेक कर रहे हैं कि हाइट
ठीक है या नहीं, लेकिन मुझे ये काफ़ी ऊंचा लग रहा है तो मैं इसको नीचे करूँगी थोड़ा सा। हाइट मुझे ऊंची लग रही है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने डबल साइडेड टेप की मदद से इसको अच्छे से हैंग कर दिया है और अच्छी तरह से ये चिपक गया है और टेप भी बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है। तो इसी तरह हम तीनों हम इस पर एडजस्ट करेंगे। ये देखिए दूसरा प्लांट भी हमारा लग गया है और बहुत ही खूबसूरत लुक आ रहा है। आई एम सो एक्साइटेड एंड हैप्पी कि मेरे घर में ग्रीनरी आ गई है। जी जनाब, सारे तीनों जो हमारे पीसेस थे वो हमने मनी प्लांट आर्टिफिशियल मनी प्लांट के वो वॉल पे हैंग कर दिए हैं। देखिए अब मैं क्या करूँगी, जो बैटरी ऑपरेटेड मैंने फेरी लाइट्स मंगवाई हैं उनका मैं किस तरह से यूज़ करूँगी वो देखूँ। देखिए डिफरेंट ऑप्शन है इसमें। सबसे पहले तो ऑन ऑफ का देख लेते हैं। दिस इज ऑफ, दिस वन इज ऑन। नाउ मोर चेंज होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। वाओ, है ना। लाइट को डिम एंड ज़्यादा और लाइट एंड डार्क भी कर सकते हैं। ये देखिए टिप मैं देती चलूँ, मैंने सारी पेंटिंग्स जो लगा रही हूँ वो मैं, आपने नोट किया हो शायद कि मैं कोई ठोकम ठाकी नहीं कर रही हूँ, कोई कील और हथौड़ा लेके नहीं बैठी हुई हूँ। मैं किस तरह से इनको लगा रही हूँ ये आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे बहुत इशू होता है कि हम लोग वॉल ख़राब नहीं करना चाहते अपनी, तो इस चक्कर में हम लोग अपनी जो मतलब दिल चाह रहा होता है कुछ पेंटिंग वगैरह लगाने का, कुछ करने का, लेकिन हम नहीं कर पाते हैं कि वॉल ख़राब होगी। इसके लिए बेहतर जो सोल्यूशन है वो ये है कि आप डबल साइडेड टेप ले लीजिए। ये मिलता है डिफरेंट शेप्स में मिलता है, ये मैंने इस तरह से इसको लिया हुआ है। आप इस टेप, या आप यकीन करें मैंने हमेशा यही टेप यूज़ किया है और इतना ज़्यादा मज़बूत ये चिपकता है ना कि किसी कील की किसी चीज़ की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती। हमें सिंपल क्या करना है, इसके चारों साइड पर हमें इसको लगा देना है और ये ईज़िली बिल्कुल बॉल के साथ स्टिक हो जाता है। तो ज़रूर आप लोग ये ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। ये मैंने इसको लगा दिया है, बिफ़ोर एंड आफ्टर आप देख सकते हैं। इधर भी ऐसे ही है लेकिन मैंने इसको कवर कर दिया है तो ये कितना अच्छा लगने लगा है। अब हम इसको भी कवर करेंगे, अच्छा सा लुक आपको देगा। जी फ्रेंड्स, अब हमारा ये वाले डोर तो कवर हो गए हैं और अब ये वाले डोर्स को हमें कवर करना है। इसको हम किस तरह से कवर करेंगे, इसके लिए मैंने ये वाली पेंटिंग ली है फ्लावर की। देखते हैं कि ये भी हमने लगा लिया है यहाँ पर और हमारा ये डोर जो है कवर हो गया है। अब एक मेरा ये रहता है। जी जी, अब बारी आती है इसकी लगाने की। ये भी मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मैं लाई हूँ लगाने के लिए, तो फाइनली अब इसकी भी बारी आ गई है और मैं इसको लगाने लगी हूँ यहाँ पर। आई थिंक यहाँ अच्छा लगेगा। जी फ्रेंड्स, ये है हमारी वाइन जो कि मैंने आपको दिखाई थी, तो कुछ इसका एक बंडल जो है मैंने वो यहाँ पे अरेंज कर दिया है अपने डाइनिंग रूम के साथ। और अभी मेरा एक काफ़ी चीज़ें तो मेरी हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट, जैसे कि ये पेंटिंग्स हैं ये कवर हो गया है और ये डोर मैंने कर दिया है। अभी यहाँ पर इस वॉल पर मुझे जो मैंने आपको दिखाई भी थी वो मेरी रह गई हैं मिरर, और ये मेरा फाइनल लुक का जो होगा वो इसके बाद कंप्लीट होगा।
अब मैं आपको ये बताऊंगी कि किस तरह से हम फालतू घरेलू फालतू अशिया जो घर में पड़ी होती हैं हम उसको किस तरह से कारआमद बना सकते हैं। ये सब तो हमने बाय की चीज़ें और हमने यहाँ पे डेकोरेट किया इन चीज़ों को, लेकिन इस वाले डोर को हम करेंगे घर की बनाई हुई घर की जो पड़ी हुई फालतू अशिया होती हैं उनसे हम इसको डेकोरेट करेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि कम कीमत में और बग़ैर किसी खर्चे के हम किस तरह से अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं तो मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा।